मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है एपेटाइट खनिज। फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फास्फोरस। मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। किस समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं? नाइट्रोबैक्टर समूह के। किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं? नाइट्रोसोमोनास समूह के। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑर्थोफास्फेट के रूप में। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? आयरन। किस उर्वरक में सर्वाधिक नत्रजन मात्रा पाई जाती है? निर्जल अमोनिया। अमोनियम क्लोराइड में नत्रजन की मात्रा पाई जाती है 25%। सामान्य पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन के रूप में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? मोलिब्डेनम।